दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 9 जून 2024। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 4 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। BSF बैंकिंग सेक्टर और भी अन्य विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 9 जून 2024 की 4 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीमा सुरक्षा बल BSF के अंतर्गत ये भर्ती है। यहाँ पर पोस्ट है इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF के अंतर्गत है। वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार क्लर्क, जो कि असम राइफल के अंतर्गत निकली है। 1526 वैकेंसी जिसमें निकली है। यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और वारंट ऑफिसर के 243 पद है, हेड कांस्टेबल हवलदार के 1283 खाली पद है। 9 जून यानी कि आज ही से आवेदन प्रक्रिया इसके लिए शुरू होने जा रही है। आवेदन के स्टार्टिंग डेट 9 जून 2024 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 जुलाई 2024 है। सेलली ASI और वारंट ऑफिसर के लिए 25,500 से 81,400 है। हेड कांस्टेबल हवलदार के लिए 29,200 से 92,300 है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। OBC UREWS के लिए 200 रुपये फीस है। SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन यहाँ पर आपका होगा रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। recruit.bsf.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत निकली है। अप्रेंटिस के लिए 3,000 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 6 जून से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 17 जून है। एग्जाम डेट 23 जून 2024 है। सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 1/4/1996 से 31/3/2004 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। एज लिमिट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। जनरल OBC के लिए 800 रुपये फीस है। SC/ST/EWS फीमेल के लिए 600 है। PH कैंडिडेट के लिए 400 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट और लोकल लैंग्वेज प्रूफ के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। centralbankofindia.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो भी यहाँ पर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अंतर्गत निकली है। सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट है। 102 वैकेंसीज है। 4 जून से आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट 24 जून है। 67,700 सैलरी है प्रति माह के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री MD MS DNB BD MDS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 45 वर्ष आयु सीमा है। फी जनरल UREWS OBC कैंडिडेट के लिए 1500 है। SC/ST के लिए 1200 है। PWBD कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT और इंटरव्यू के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पुडुचेरी जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। jipmer.edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के अंतर्गत निकली है। प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है। 59 वैकेंसीज है। 5 जून से आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 19 जून है। सेलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। BBTech PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट PhD NCMTech से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35-45-50 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। CDEC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 9 जून 2024 रविवार की टॉप 4 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।